दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान से भरी हुई एक और नई वीडियो में। कभी कभी आपने न्यूज में देखा होगा कि हमारे इंडियन आर्मी के किसी बड़े अधिकारी को यूनाइटेड नेशन की तरफ से किसी देश में अच्छा काम करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। पर आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि हमारी इंडियन आर्मी तो इंडिया में ही काम करती है, फिर ये दूसरे देश में काम करने के लिए इन्हें ये अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि इंडियन आर्मी भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी काम करती है और वहाँ भी हमारे देश का नाम रोशन करती है। अगर आपको जानना है ऐसा क्यों तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अननोन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। तो भाई अब तक क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ और ज्ञान से भरी हुई वीडियो पाओ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी तैनात है, और इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी दूसरे देशों में भी तैनात होती है। आखिर ऐसा क्यों? हम सभी यूनाइटेड नेशंस को तो जानते ही हैं, जो पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करता है। जहाँ भी जिन देशों में सरकार गिर जाती है या गृह युद्ध छोड़ दिया जाता है तो सरकार ना रहने पर ऐसे देशों में कुछ इल्लीगल या आतंकवादी संगठन वहाँ के सिविलियन पर अपनी ऑटोनॉमी को स्थापित करने में लग जाते हैं। जो कुछ भी करते हैं वो तो फिर आपको पता ही है ना क्या कुछ करते हैं, लोगों को मारते हैं, हत्या करते हैं, लूट मार करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। इससे वहाँ के लोग शांति से नहीं रह पाते। फिर इसके बाद एंट्री होती है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका काम है, क्या काम है यूएन का, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसका काम है पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करना। इसके लिए वो अपनी आर्मी भेजता है। अब उसके पास खुद की तो कोई आर्मी है नहीं, तो यूएन क्या करता है, जो उसकी कंट्री मेंबर है ना, यानी मेंबर कंट्रीज हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी आर्मी ले लेता है। मेरा मतलब आर्मी के सोल्जर्स ले लेता है, और जिस देश में जरूरत होती है उस देश में उन सोल्जर्स को भेज देता है। इसमें अलग अलग देशों के सोल्जर्स शामिल होते हैं, तो फिर इसमें भारतीय सेना के पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवान होते हैं। वैसे ये सभी सोल्जर्स ब्लू कैप पहनते हैं, इन्हें ब्लू कैप सोल्जर भी बोला जाता है, या कई बार इन्हें पीस कीपर सोल्जर भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यूनाइटेड नेशन दूसरे देशों में किसी की सरकार बनाने में मदद करती है। यूनाइटेड नेशन सिर्फ युद्ध से परेशान या किसी और वजह से परेशान ही लोगों की मदद करती है। इसकी वैसे और भी काफी सारी बॉडीज हैं, जैसे यूनिसेफ जो युद्ध में आम लोगों तक खाना पहुंचाने का काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में कुपोषण से लड़ने के लिए काम करती है। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हमारी आर्मी ही नहीं बल्कि और भी देशों की आर्मी यूनाइटेड नेशंस में अपने सोल्जर्स को भेजती है। तो वीडियो को भाई यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भाई जरूर बताओ। अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की यार बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा यार। प्लीज सपोर्ट करो यार। जय हिंद।